हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाइथन पर दो नंबर्स को ऐड करने के बारे में और डिवीजन करने के बारे में और मल्टीप्लिकेशन करने के बारे में कि एक ही हम कैसे कर सकते हैं इसको, एक ही प्रोग्राम में हम ये सारे फंक्शन को यूज़ करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो पाइथन का आईडीई मैं ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए ओपन हो चुका है पाइथन का आईडीई। अब इस पर हमें टाइप करना है, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, एक एक फाइल में मैं बना बना करके आपको समझाऊँगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर इंट नाम का हम ले लेंगे, ठीक है, इंट हमने ले लिया है और यहाँ पर टाइप करेंगे इनपुट, ठीक है, इनपुट, और यहाँ पर दे देंगे हम एंटर अ नंबर, ठीक है, एंटर अ नंबर, ठीक है, ये दे दिया हमने। और इसको यहां से क्लोज करिए, नीचे आइए, अब बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। अब C इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको डिफाइन कर दीजिए, बस हो गया है आपका काम, ये नहीं होगा, नीचे आ जाएंगे और अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ प्रिंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं, प्रिंट, ठीक है, C लैंग्वेज में हम प्रिंट एफ लगाते हैं, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे सम ऑफ, इसको बंद किया, ए एंड बी इज सी, ठीक है, ये लिख दिया हमने, तो ये हमने कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस क्विक के लिए हमें इनपुट करवाना होगा, इनपुट फंक्शन को यहां लिखना होगा तभी ये चलेगा। अब हम अगर एंटर करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे एंटर किया हमने, ठीक है, और अब हमें क्या करना है, रन करवाना है। तो या तो यहाँ पे जाके आप रन करवा सकते हैं या तो F5 दबा के भी करवा सकते हैं। तो F5 हम दबाएंगे, यहाँ पर हम क्या दबाएंगे, F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करते ही ये देखिए ये कह रहा है सेव करने के लिए, सेव हमने नहीं किया है तो इसको सेव कर लेता हूँ, पहले यहाँ से जाके इसको सेव करता हूँ किसी नाम से। डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है, तो पी वाई लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर अब आप एफ फाइव प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है एंटर नंबर सिक्स, एंटर द सेकेंड नंबर 78, तो सिक्स और 78 का सम आ गया 84। ओके, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे सिक्स आ गया, यहाँ पे नाइन आ गया, तो एक ही बार ये रन करेगा। अब देखिए मैं आपको, अब इसके बाद जो है मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, तो एक दूसरे पेज पे सिखा रहा हूं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। और तो यहां पे सबसे पहले वही वही काम करना होगा हमें, पहला वेरिएबल ए ले लिया हमने, ए इज इक्वल टू इंट आई एन टी, अब यहां इनपुट लगाएंगे इंट इनपुट, ओके, यहां पे इनपुट लिखने के बाद क्या करना है हमें, इनपुट लिख दिया हमने, इसके बाद हमें यहां पे देना है एंटर, डबल इंटर कॉमा में एंटर नंबर, ठीक है, इसको बंद कर दीजिए, एंटर करके नीचे आइए, बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक, एंटर करेंगे, सी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है, एंटर करिए। और यहाँ पे फिर अब हमको प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा, क्योंकि प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन तो यूज करना ही होगा, प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिवीजन, ठीक है, ऑफ
ए एंड बी इज, ये जो आप लिख रहे हैं ना इनको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखिएगा, ठीक है, इनका एक खास मतलब है इसलिए इनको डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है। तो ये हमने कर दिया सी। अब इसको हमें क्या करना है, इनपुट करवाना है, तो यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज कर लीजिए, आप इनपुट कर लीजिए और एंटर प्रेस करेंगे। तो अभी इसको सेव करना है, मैं इसको सेव करता हूँ div डॉट पी वाई, तो div डॉट पी वाई से ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ डॉट पी वाई, ठीक है, एंटर प्रेस करता हूँ। अब F5 दबाता हूँ तो इनवैलिड सिंटैक्स, ओहो यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ हो गई है, इसको आप कर लीजिए कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, अब ये चल जाएगा। पहले सेव कर देता हूँ, अब F5 दबाइए, अब यहाँ पे आ गया इंटर नंबर, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है हमें, इंटर एक नंबर इंटर करना है 7, ठीक है, 7 नहीं बल्कि मैं इंटर करता हूँ 8 और यहाँ इंटर करता हूँ 2, ठीक है। तो यहाँ 8 और 2, 2 से डिवाइड किया जाएगा 8 को, तो आंसर 4 आएगा, यहाँ पे ये बता रहा है, यानी डिवीजन का भी प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पर आते हैं, अगला हम पड़ाव इसका देखते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं एक और फाइल बनाता हूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ। अब इसमें हम फिर वही a इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट, अब क्या करेंगे यहाँ पे, इस पर लिखेंगे एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है, इसको बंद किया, यहाँ से इसको भी बंद करेंगे, दो ब्रैकेट्स हैं। अब b इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, एंटर द सेकेंड नंबर, ओके, नीचे आइएगा तो c इज इक्वल टू a माइनस बी। अब इसको हमें प्रिंट करवाना है तो प्रिंट फंक्शन का यूज कीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज सी, ठीक है, ये दे दिया हमने, एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ इनपुट फंक्शन का यूज कर लेंगे, आई एन पी यू टी इनपुट, और जैसे एंटर करेंगे, और इसको सेव करना होगा, यहाँ से सेव कर देते हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन के नाम से, एस यू बी के नाम से मैं सेव करता हूँ, एस यू बी डॉट पी वाई, पी वाई लगाना जरूरी है, एक्सटेंशन होता है। अब यहाँ से मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको, F5 दबा के भी रन करवा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ आ रहा है एंटर अ नंबर, तो एक नंबर एंटर करता हूँ 7, दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 8, सॉरी 8 नहीं बल्कि 8 भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ मैं 4 करता हूँ, तो ये देखिए 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आ रहा है आंसर, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जो लास्ट बचा है मल्टीप्लीकेशन का, वो भी प्रोग्राम में रन करवा के दिखा देता हूँ आपको, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, ये हो गया, ठीक है, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ये हो गया हमारा। अब बी इज इक्वल टू इंट इनपुट, यहां पे एंटर द सेकेंड नंबर करेंगे, एंटर यहां पे, एक मिनट, ये एंटर द सेकेंड नंबर हो गया। अब यहां पे c इज इक्वल टू a इंटू बी, इंटू बी कर देंगे, नीचे आएंगे और यहां पे प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट
फंक्शन लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स यहां से गड़बड़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स ए कॉमा यहां पे भी कॉमा रहेगा ए एंड कर देता हूं मैं एंड बी इज इज सी ठीक है ये हो गया हमारा सी ओके अब हमें एंटर करना है और इसको प्रिंट करवाने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करना है तो ये इनपुट लग गया हमारा अब इसको सेव करने की बारी तो यहां से सेव कर लेता हूं mul.py के नाम से एंटर प्रेस करता हूं अब ये सेव हो चुका है F5 दबा के रन करवाता हूं तो यहां पे कह रहा है एंटर नंबर 69 जा 54 आप देख सकते हैं तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इंटीजर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबट्रैक्शन या एडिशन करा सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल और साथ ही साथ अगर और भी अधिक वीडियोस की डिमांड है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगला वीडियो जो है फ्लोट का होगा ठीक है थैंक यू